Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today we are going to discuss a very famous American poet's poem, Stopping by the Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Robert Frost was an American poet of modern era. Okay, let's start now. First of all, text. Whose woods these are? I think I know. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ये वो एक जगह किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं एक शाम को, जो कि लॉन्गेस्ट इवनिंग होती है, ठीक है, साल की. और फिर वहाँ पे वो एक जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक वुड्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्नो होती है, जो उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है. उनके बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है, ठीक है. फिर कहते हैं कि मुझे पता है ये वुड्स किसके हैं. आई थिंक आई नो हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और उसका जो घर है वो विलेज में है, ठीक है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं उसके वुड्स के पास खड़ा हूँ और उसको जो कि स्नो में कवर्ड है और मैं उनको देख रहा हूँ. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज, कि मेरा जो हॉर्स है, हॉर्स के साथ ही आते जाते थे उस टाइम पे, तो कह रहे हैं कि वो इस बात को स्ट्रेंज समझ रहा होगा कि ना तो यहाँ पे कोई फार्म हाउस है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे रुके क्यों हैं. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. डार्केस्ट इवनिंग है, ठीक है, जिसके कंसिडर किया जाता है कि 22 दिसंबर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो नाइट होती है, तो उसी को ये कंसिडर किया जाता है कि ये ही दिन था, 22 दिसंबर था, और फ्रोजन लेक और स्नो कवर्ड वुड्स के दरमियान वो खड़े हुए थे और वुड्स को देख रहे थे, ठीक है ना. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, और फिर वो अपने जो भी उसकी हार्नेस कहते हैं कंट्रोल की जो एक स्ट्रिप होती है उसको हिलाता है, ठीक है. हॉर्स की बात हो रही है. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और ये जो पोइट है वो खुद से कंसिडर करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि क्या हमने कोई गलती कर दी है यहाँ पे रुके, या क्या मसला है, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और जो और साउंड आ रही है, एक तो उसकी हार्नेस की आ रही है और दूसरी जो स्नो फ्लेक्स की आ रही है, ठीक है, जो कि गिर रही है, और इसके अलावा हवा की आ रही है जो कि सरसराहट की आवाज़ आ रही है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड ड्रीप बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और एंड वाला जो स्टंजा है, ठीक है, इसमें मेटाफोरिकल मीनिंग भी है स्लीप के, जो है वो डेथ से है, कि वुड्स बहुत ही लवली हैं, डार्क हैं और डीप हैं, जिस तरह की ज़िंदगी होती है, लेकिन हमें अपने प्रॉमिसेस जो है, अपने काम जो है कंप्लीट करने हैं. हम इमेजिनेशन में ही नहीं रह सकते, हमें रियलिटी में हमेशा वापस आना पड़ता है. हम जाते हैं अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन फिर उसके बाद हमें वापस आना पड़ता है, और काम जब तक हम मरते नहीं या सोते नहीं, हमें वो काम करने पड़ते हैं, ठीक है. आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी अब ये पोएम.